ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्राइवेट कंप्यूटर कोचिंग संस्थान कंप्यूटर सिखाने और नौकरी लगाने का आश्वासन देकर ग्रामीणों से पैसे ऐंठ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिवनी में सामने आया है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक नया मामला सामने आया है। यहां एक कंप्यूटर संस्थान के खिलाफ क्षेत्र के ग्रामीण छात्र छात्राओं ने मोटी रकम लेकर भी कंप्यूटर नहीं सिखाने और नौकरी नहीं लगाने के लिए थाना लखनादौन में शिकायत दर्ज कराई है। जालसाजी का शिकार हुए छात्र छात्राओं का कंप्यूटर संस्थान के खिलाफ आरोप है कि संस्थान ने कंप्यूटर सिखाने के लिए हमसे 17,000 रुपए फीस जमा कराई थी और छात्रवृत्ति से उक्त राशि वापस दिए जाने की बात कही थी, लेकिन इन्हें ना तो कंप्यूटर सिखाया जा रहा है और ना छात्रवृत्ति दी जा रही है। उल्टा कोचिंग संचालिका उन्हें डरा धमका कर ग्रामीण क्षेत्रों से एडमिशन कराने के लिए गांव-गांव चक्कर लगवा रही है। नो सर, इन्होंने 3 महीने तक लगातार कंपनी का नॉलेज दिए हैं और कंप्यूटर का कोर्स तो बिल्कुल भी नहीं किया सर। इन्होंने कभी फोकस ही नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा माइंड सेटअप करके बोलते थे कंपनी का नॉलेज और ट्रेनिंग व्रेनिंग देते थे, फिर बाद में बोलते हैं कि आप फुल ट्रेंड हो चुके हैं, अब आप गाँव जाइए और बच्चों को जोड़िए। सर यहाँ पर कंप्लेंट लिखवाने आए हैं क्योंकि हमारी साल एक साल बर्बाद हो गई सर। मैं इसके पीछे इन लोगों ने मेरा स्कूल छोड़वा दिया, मैं स्कूल जाता था 12वीं क्लास में, इस साल फेल हो चुका हूँ सर। वहीं मामले में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। कि कुछ छात्राएं यहां आवेदन देने आए हुए हैं कि वहां पर एडमिशन ले करके और इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है लेकिन डिप्लोमा नहीं बन रहा है। इस संबंध में भी उन्होंने शिकायत पत्र दिया है जिसकी वैधानिक जांच की जाएगी और वैधानिक जाँच के तदुपरांत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि मामले की हकीकत क्या सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, सिवनी।